खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक की पहली खबर रफाल को लेकर एक चिट्ठी पर आधारित है। ये चिट्ठी 24 नवंबर 2015 को लिखी गई। चिट्ठी पर तीन लोगों ने अपने अपने नोट लिखे हैं। पहला नोट रक्षा विभाग के तत्कालीन उप सचिव ए.के. शर्मा का है। उसी चिट्ठी पर दूसरा नोट तत्कालीन रक्षा सचिव जी मोहन कुमार का है, हैंड रिटन है वो। और तीसरा नोट तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का है। इन्हीं तीन नोटों में आज का सारा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। और इसे ही आसान भाषा में समझाते हुए हमने मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी पूरी तरीके से तैयार की है। खबर से पहले इसकी पांच हेडलाइंस जान लीजिए। ये रफेल की आग है, मई में ही बुझेगी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि रफाल डील के दौरान पीएमओ की तरफ से लगातार दखल अंदाजी की गई। राहुल ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्रालय ने पीएमओ की दखल अंदाजी पर आपत्ति भी जताई थी। रक्षा मंत्रालय की एक चिट्ठी के आधार पर राहुल ने कहा कि पीएमओ फ्रांस से समानांतर बातचीत कर रहा था। राहुल ने जो चिट्ठी दिखाई उसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की टिप्पणी का उन्होंने जिक्र नहीं किया। बीजेपी ने फिर घेरा उनको। पर्रिकर ने लिखा था, पीएमओ की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं है, उसकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ डील की प्रोग्रेस को देखा जा रहा था। होलैंड जी ने क्लियरली बोला, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है, उसने मुझे कहा है कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देने हैं। वो होलैंड जी ने बोला। अब डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है, कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है। देयर इज नो अदर वर्ड आई कैन यूज अदर देन द प्राइम मिनिस्टर इज अ थीफ। रफाल को बोफोर्स बनाने के लिए राहुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जहां से मिल रहा है वहीं से नया गोला लेकर दाग रहे हैं। आज उनके पास 24 नवंबर 2015 की रक्षा मंत्रालय की एक चिट्ठी थी। इसके पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, ये साफ है कि पीएमओ की तरफ से हो रही समानांतर बातचीत से रक्षा मंत्रालय की तरफ से बात कर रही टीम की स्थिति कमजोर हो रही है। हम पीएमओ को ये सुझाव दे सकते हैं कि जो अधिकारी फ्रांस के साथ बातचीत करने वाली टीम में शामिल नहीं है, उन्हें फ्रांस के अधिकारियों से समानांतर बातचीत नहीं करनी चाहिए। राहुल को लगा रफाल घोटाले पर ये ब्रह्मास्त्र है, इसीलिए वो मीडिया के सामने आ गए। वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहां उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है। और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करे। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। ये बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है। राहुल कह रहे हैं कि रफाल को लेकर रक्षा मंत्रालय ने ही पीएम मोदी के दखल का विरोध किया था। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में इस आरोप की हवा निकाल दी। पीरियोडिकली पीएमओ इंक्वायर्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ एनी वर्क दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज इंटरफेरेंस। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू मैडम, व्हाट वाज द इंटरफेरेंस बाय द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी लेड बाय श्रीमती सोनिया गांधी। एनएसी वाज रनिंग द पीएमओ, वाज दैट एन इंटरफेरेंस? राहुल गांधी ने रक्षा मंत्रालय की जिस चिट्ठी के आधार पर आरोप लगाया था उस पर तत्कालीन रक्षा सचिव जी मोहन कुमार का भी नोट था। उन्होंने रक्षा मंत्री से इस मामले को देखने और पीएमओ के दखल पर एतराज जताया था। लेकिन आज जी मोहन कुमार ने भी राहुल के दावे को खारिज कर दिया। कहा, रक्षा मंत्रालय के नोट का रफाल की कीमत से कोई संबंध नहीं था। अब जब राहुल का आरोप ही रफाल की कीमत को लेकर था, ऐसे में तत्कालीन रक्षा सचिव के बयान ने उस आरोप की ही हवा निकाल दी। ये खबर यहीं खत्म नहीं होती है। हो सकता है कि दूसरे चैनल्स पर आपको यहीं तक की खबर बताई जाए,
लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूरी खबर को जानें। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि नेता सिर्फ आरोप लगाते हैं और निकल जाते हैं, मतलब उस आरोप का कोई भी आधार है या नहीं इसने जांचने परखने की जरूरत समझी ही नहीं जाती है नेताओं की तरफ से। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि राहुल ने रक्षा मंत्रालय की जिस चिट्ठी के आधार पर पीएम मोदी पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया उसका पूरा सच, छिपाई हुई बात है क्या। एंड यू कैन रीड इट हियर। राहुल गांधी के हाथ में दिख रही इस चिट्ठी पर गौर कीजिए। इस पर लिखा है द हिंदू, यानी ये चिट्ठी की वो कॉपी है जो द हिंदू अखबार में छपी है। राहुल ने इसी चिट्ठी के आधे सच को पूरा मानकर पीएम मोदी को फिर से चोर कह दिया, लेकिन ये जरूरत नहीं समझी कि चिट्ठी का पूरा सच जान। अब आपके सच देखने की बारी है। राहुल ने जो चिट्ठी दिखाई वो पूरी नहीं है, बल्कि असल चिट्ठी का वो हिस्सा है जिसे क्रॉप किया गया, या यूं कहिए आधा दिखाया गया। हम आपको पूरी चिट्ठी दिखाते हैं। बाईं तरफ वो चिट्ठी है जिसे राहुल ने दिखाया, दाहिनी तरफ उसी चिट्ठी का पूरा पेज है। बहुत आसानी से आप दोनों के अंतर को देख सकते हैं। राहुल की चिट्ठी में आपको एक भी मुहर नहीं दिखेगी, जबकि असल चिट्ठी में दाहिनी ओर तारीख और सिग्नेचर के साथ 5 मुहर लगी है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चिट्ठी दिखाई उसमें लिखे गए सिर्फ 2 नोट ही दिख रहे हैं, जबकि असल चिट्ठी में एक तीसरा नोट भी है, और यही सबसे अहम और गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जवाब है उनके सिग्नेचर के साथ, जिसमें लिखा है, ऐसा लगता है कि समिट मीटिंग के बाद से पीएमओ और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के दफ्तर की तरफ से डील की प्रगति की जानकारी ली जा रही थी। पैरा 5 में लिखी बातें इस पर अनावश्यक प्रतिक्रिया लग रही है। राहुल गांधी ने इस नोट का कोई जिक्र नहीं किया और आधी जानकारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। रक्षा मंत्री श्री पर्रिकर हैव वेरी क्लियरली सेड इन रिस्पांस टू दैट फाइल नोटिंग ऑफ द डिफेंस सेक्रेटरी टू रिमेन काम। There is nothing to worry. Things are going all right. It should have been the duty of the newspaper which has published this to also put it on record. That was the comment of the defense secretary. Then the reply given was this. I don't need any certificate from Nirmala Sitharaman. Then you are saying, why didn't you publish everything? Why should the story be complete? Mr. Pariker is non-committal here. What does he say? Defense secretary may resolve issue. Stroke matter in consultation with principal secretary to PM. So he's not taking any stand. राहुल के आरोप के बाद हमने राफेल डील की नेगोशिएशन टीम के प्रमुख रहे एयर मार्शल SBP सिन्हा से भी पूछा कि क्या डील में पीएमओ की तरफ से कोई गैर जरूरी दखल अंदाजी की गई थी। नेगोशिएशन कर रहे थे उसमें किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं थी, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है जो नोट आपने देखा है आज हिंदू न्यूज़पेपर में। ये इतना बड़ा मुद्दा MOD में उठा था और इस मुद्दे पे किसी ने इंडियन नेगोशिएटिंग टीम या मुझसे बात ही नहीं की। SBP सिन्हा ने इसके अलावा 2 और बातें कही। पहली बात, रक्षा मंत्रालय की जिस चिट्ठी पर विवाद हो रहा है वो कभी डील में लगी टीम के सामने नहीं आई। दूसरी बात, जिस डिप्टी सेक्रेटरी ने ये चिट्ठी जारी की वो कभी नेगोशिएशन टीम का हिस्सा नहीं रहे। यानी कुल मिलाकर राहुल का आरोप अधूरी चिट्ठी पर था, और उसी आधे अधूरे सच पर उन्होंने फिर कह दिया कि चौकीदार चोर है। बात सिर्फ एक चिट्ठी के आधे अधूरे सच की नहीं है। राहुल गांधी ने रफाल को लेकर अब तक जितने भी आरोप लगाए हैं उनमें से कोई भी सही साबित नहीं हो पाया है। उन्होंने जिस जिस का नाम लेकर आरोप लगाया वो खुद बयानों से मुकर गया। आप देखिए, हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि प्रधानमंत्री चोर है। फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है
और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। राफाल पर राहुल का यही स्टाइल रहा है, कभी अखबार के हवाले से तो कभी फ्रांस के वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति के बयानों के आधार पर पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं वो, लेकिन आरोपों को अब तक साबित नहीं कर पाए हैं वो। राहुल ने पिछले साल संसद में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का नाम लेकर भारत और फ्रांस के बीच राफाल पर कोई सीक्रेसी पैक्ट ना होने की बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है। आप यह बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। It was a government to government discussion and I just want to refer to what Prime Minister Modi very clearly said a few days ago, and I have any other comment to say. I was not in charge at that time. Emmanuel Macron ke bayan mein ek baar bhi wo baat nahi thi jiska dawa Rahul kar rahe the. Yahi nahi, France sarkar ne bayan jari kar kaha ki Bharat aur France 2008 ke samjhote ke tahat suraksha se judi zaruri jankariyon ko gupt rakhne ke liye badh hain. इसके बाद राहुल गांधी ने फ्रांसीसी मीडिया में छपे पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के एक बयान का जिक्र किया। फ्रांस के राष्ट्रपति एक्स राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अनिल अंबानी को जो हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला वो कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी के कहने पे दिया गया था, राहुल ने आरोप लगाया। लेकिन डसॉल एविएशन और फ्रांस सरकार दोनों ने ओलांद के बयान को गलत बताया। खुद ओलांद ने कह दिया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं कि रिलायंस को चुनने को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई दबाव था। यानी राहुल एक बार फिर गलत साबित हुए, लेकिन इसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे और अपने सभी आरोपों पर कायम रहे। पिछले ही महीने राहुल गांधी पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से उनकी तबीयत का हालचाल लेने गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि राफाल घोटाला में पर्रिकर का कोई हाथ नहीं था। राहुल के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए पर्रिकर ने उन्हें चिट्ठी लिखी और कहा कि 5 मिनट की मुलाकात में दोनों के बीच राफाल को लेकर कोई बात हुई ही नहीं। ऐसे में शिष्टाचार मुलाकात का राजनीतिक इस्तेमाल करना गलत है। हालांकि इसके जवाब में राहुल ने भी उन्हें चिट्ठी लिखकर सफाई दी कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उस मुलाकात में राफाल को लेकर कोई बात हुई। राहुल अब राफाल के मुद्दे पर राजनीति में हर हथकंडे को अपना रहे हैं बिना इस बात की परवाह किए कि वो सही है या नहीं। राहुल गांधी भारतीय वोटर्स को कम और राजनेताओं को ज्यादा पढ़ रहे हैं। वो ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा कोई और लीडर सामान्यतः करता, खासकर विपक्ष का। राजनीति क्या कहती है कि लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना सरकार का, ताकि देश को मजबूती मिल सके। लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति से परे राजनेता और खासकर राहुल गांधी देश की कीमत पर अपनी और पार्टी की मजबूती पर जोर देते हैं। राहुल गांधी राफाल केस में यही कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक राहुल पर। आरोप लगाना नहीं राहुल, साबित करना सीखें देश हित के लिए। राहुल की टूटी चुप्पी की खबर है ये। जहां तक याद आता है, और आप भी याद कर सकते हैं, आज पहली बार राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच पर रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों को लेकर कुछ कहा, उनका नाम लिया। राहुल गांधी के इस बयान में वाड्रा के लिए उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और कुछ ऐसा ही कॉन्फिडेंस प्रियंका में भी दिख रहा था। प्रियंका के लिए मैं कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस शब्द का इस्तेमाल करूंगी, अति आत्मविश्वास। आखिर क्या है इस विश्वास की वजह, ये जानने से पहले इस पूरे की पूरी स्टोरी की 5 हेडलाइंस आप जान लीजिए। राहुल गांधी ने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा पर बयान दिया, बोले जांच वाड्रा की करे लेकिन राफाल पर भी तो जवाब दें। पत्रकारों ने पहले सवाल किया तो राहुल चुप रहे, दोबारा पूछने पर कहा नो प्रॉब्लम, वाड्रा की जांच कर लीजिए। आज रॉबर्ट वाड्रा के साथ चिदंबरम की बुक लॉन्च में प्रियंका दोबारा दिखी उनके साथ, सवालों पर कुछ नहीं बोली।
ईडी दो दिन में वाड्रा से 15 घंटे पूछताछ कर चुकी है और कल यानी शनिवार को दोबारा पूछताछ की जाएगी। लंदन से वाड्रा की संपत्ति की एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की है, रिपोर्ट में सच सामने भी आया है। जितना आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं आप करिए, आप कानून को लागू करिए, आप रॉबर्ट वाड्रा पे, आप चिदंबरम पे, आप सब पे कानून चलाइए, नो प्रॉब्लम, मगर आप राफेल मामले पे भी जवाब दीजिए। जहां तक याद आता है, राहुल ने आज पहली बार सार्वजनिक मंच पर रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया। राहुल कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, वाड्रा की जांच करिए, लेकिन राफेल पर भी जवाब दीजिए। वाड्रा को लेकर राहुल कॉन्फिडेंट है तो प्रियंका ओवर कॉन्फिडेंट। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका पहले दिन उन्हें ईडी दफ्तर छोड़ने गई और दूसरे दिन उन्हें लेने गई और कहा, दुनिया जानती है कि क्या राजनीति है, सबको पता है क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं। दो दिन लगातार पूछताछ के बाद आज प्रियंका और वाड्रा साथ दिखे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के किताब के विमोचन के मौके पर दोनों साथ पहुंचे। वाड्रा पर लगे आरोप प्रियंका और राहुल को राजनीतिक साजिश लगते हैं। बेनामी संपत्ति के आरोपों से घिरे रॉबर्ट वाड्रा का सच क्या है? एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की थी। कल ही मास्टर स्ट्रोक में आपने वो सच देखा, आज उसे एक बार फिर जान लीजिए। लंदन की उन 5 संपत्तियों में एबीपी न्यूज उन अलग अलग संपत्तियों पर पहुंचा है जिनके रॉबर्ट वाड्रा से संबंध को ईडी के अफसर खंगाल रहे हैं। पहली पड़ताल लंदन में अभी अपर ब्रुक स्ट्रीट पर फ्लैट नंबर 11 और 42 का मालिकाना हक किसी आदमी नहीं बल्कि एक कंपनी के नाम पर है। इस कंपनी का नाम है विनवेल लिमिटेड। कंपनी के निदेशक ब्रिटिश नागरिक हैं। यानी लंदन की अपर ब्रुक स्ट्रीट पर फ्लैट नंबर 11 और 42 का मालिकाना हक अभी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर नहीं है, लेकिन अभी लंदन में वेलिंगटन रोड पर 26 नंबर की संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर नहीं है बल्कि ज्योति इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम पर है। यानी 26 वेलिंगटन रोड सेंट जॉन्स वुड की लंदन की संपत्ति का मालिकाना हक अभी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर नहीं। एबीपी न्यूज ने जब इस संपत्ति के बारे में पता किया तो ये दस्तावेज सामने आए जिनमें लिखा है कि 1,20,000 यूरो यानी करीब 98 लाख रुपए में इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया, लेकिन अभी लंदन की ये प्रॉपर्टी ऑल सीजंस प्रॉपर्टी लंदन लिमिटेड के नाम पर है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि ये संपत्ति अभी लंदन के न्यूलॉन हाउसिंग ट्रस्ट लिमिटेड के नाम पर है। लंदन की 5वीं संपत्ति है 16 अर्लिंगटन रोड के पास के घर का हिस्सा। दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय को इस संपत्ति के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है। यानी वाड्रा पर लग रहे आरोपों को साबित करना ईडी के लिए मुश्किल होगा। फिलहाल राहुल और प्रियंका के बयानों से तो लग रहा है कि ईडी की जांच को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। तो भाई, प्रियंका की ताजपोशी और रॉबर्ट की पेशी के बाद बीजेपी को जरूर ये लगा होगा कि भ्रष्टाचार की भुक्त भोगी कांग्रेस दोबारा बैकफुट पर आ जाएगी। 2014 में करप्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस की कमजोरी भी, लेकिन कांग्रेस ने आप देखिए बहुत गौर से स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। आरोपों से घबरा नहीं रही है, उसे बेहतर वो उन आरोपों को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है और राहुल प्रियंका साफ तौर पर ये करते हुए दिख रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक यही है कि वाड्रा की आफत से बड़ी प्रियंका की ताकत इस वक्त लग रही है। 23 जनवरी ये वो तारीख थी जिस दिन आधिकारिक तौर पर प्रियंका वाड्रा राजनीति के मैदान में उतर गई, कांग्रेस महासचिव वो बन गई। उस दिन से लगातार हर कोई यही पूछ रहा है कि मोदी को टक्कर दे पाएंगी प्रियंका गांधी, ये सवाल हर किसी के जहन में। तो हमने ये तय किया कि हम आपके लिए इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। एबीपी न्यूज ने एक सर्वे किया सी वोटर के साथ, उस एक सवाल के साथ साथ हमने 9 और सवाल लोगों से पूछे, यानी वोटर्स से, हो सकता है आप उनमें से एक हो। पूरे उत्तर प्रदेश के 6,086 लोगों के बीच ये सर्वे किया गया। हमने यूपी इसलिए चुना क्योंकि कांग्रेस ने प्रियंका को पूर्वांचल की कमान सौंपी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है। अकेले यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में यूपी का फैसला अखिल भारतीय अनुमान तो दे ही सकता है। सबसे पहले आप इस खबर की 5 हेडलाइंस जान लीजिए। प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस महासचिव बनने के बाद एबीपी न्यूज ने उनसे जुड़े 10 सवाल लोगों से पूछे। यूपी की सभी सीटों पर वोटर्स की राय ली गई। 6,086 लोगों से सवाल किए गए। हमने सवाल किया
क्या मोदी के खिलाफ प्रियंका को चुनाव लड़ना चाहिए? जवाब कुछ सेकंड में आपके सामने आएगा। हमने पूछा क्या राहुल फेल हो गए इसीलिए प्रियंका राजनीति में आई? रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। हमने ये भी पूछा कि क्या प्रियंका में प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं? प्रियंका पर पहले सर्वे के रिजल्ट अगली रिपोर्ट में। 2019 में जीत के लिए प्रियंका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तस्वीरें बताती हैं कि पार्टी और परिवार में तालमेल बनाते हुए प्रियंका मिशन यूपी में जुट चुकी हैं। लेकिन क्या प्रियंका में वो जादू है जिसकी बात सालों से होती रही है? क्या पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगी प्रियंका? क्या प्रियंका के आने से कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे या फिर प्रियंका ने राजनीति में आने में देर कर दी? इन सवालों के साथ कई और सवाल आपके मन में होंगे। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जनवरी के आखिरी हफ्ते से फरवरी के पहले हफ्ते के बीच इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे हैं और नतीजे काफी दिलचस्प हैं। शुरुआत सबसे ज्वलंत सवाल के साथ। पहला सवाल, प्रियंका को मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए? आप राजनीति में बदलाव चाहते हैं तो इस शक्ति को इस्तेमाल करें, देश में बदलाव चाहते हैं तो इस शक्ति को इस्तेमाल करें। तो आप पूरी जिम्मेदारी से समझिए कि क्या होता है जब आपको 5 सालों में एक बार मौका मिलता है, किस चीज का मौका? हम सब लोगों की मांग है, हम सब लोग चाहते हैं कि प्रियंका दीदी आवे बनारस से चुनाव लड़े और हम सब लोग जमकर उनके लिए मेहनत करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका बनारस से चुनाव लड़ें। वहां गलियों में उनके पोस्टर भी लग गए हैं। सर्वे का रिजल्ट भी यही बताता है। यूपी के 60% लोग मानते हैं कि हाँ, प्रियंका को मोदी के खिलाफ बनारस से ही चुनाव लड़ना चाहिए। 32% लोग मानते हैं कि प्रियंका को मोदी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ा तब प्रियंका गांधी के भी वहां से चुनाव लड़ने की मांग उठी थी, लेकिन तब प्रियंका ने इसे खारिज कर दिया था। अब यूपी की 60% जनता यही चाहती है। अब अगर प्रियंका गांधी एबीपी न्यूज का ये सर्वे देख रही होंगी तो वो जरूर इस पर अपनी राय बना सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएंगी? ये सवाल भी हमने पूछा। उत्तर प्रदेश के 52% लोगों ने कहा कि हाँ, प्रियंका बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी। 32% लोगों को लगता है कि वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगी, जबकि 8% वोटरों की राय है कि प्रियंका से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब ये कि यूपी की जनता मानती है कि प्रियंका के आने से बीजेपी को नुकसान होगा, तो क्या जनता प्रियंका के नाम पर कांग्रेस को वोट देगी? हमारा अगला सवाल और उसका चौंकाने वाला जवाब सुनिए। 18% लोगों ने जवाब दिया कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। 33% लोगों ने कहा कि वो महागठबंधन को वोट देंगे। लेकिन दिलचस्प ये कि 38% लोग बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। यानी लोग ये मानते हैं कि प्रियंका के आने से बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन जब खुद के वोट देने की बात आई तो उनका कहना है कि वोट बीजेपी को डालेंगे। यानी यहाँ राय बनाने और वोट डालने में फर्क नजर आ रहा है। जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ज्यादा नुकसान होगा, मैं कह रहा हूँ जो भी सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ जितने ज्यादा लोग होंगे उतना उसका फायदा होगा, क्योंकि सत्ता विरोधी वोट जो है उसका बंटवारा होगा और उस बंटवारे का लाभ हमेशा जो है वो सत्तारूढ़ दल को मिलता है, वो बीजेपी कहीं हो या दूसरी पार्टी हो, जो भी हो। तो ये अगर जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी उसके वोट बढ़ेंगे। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे का अगला सवाल था कि प्रियंका के आने से कांग्रेस को कहां फायदा होगा। 50% लोगों ने कहा कि देश भर में फायदा होगा। 18% लोगों का मानना है कि यूपी में फायदा होगा, जबकि 24% लोगों को लगता है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कहीं फायदा नहीं होगा। यूपी में आधे लोग मानते हैं कि प्रियंका का असर देश भर में होगा। सवाल यह है कि यूपी में तो प्रियंका के सामने महागठबंधन और बीजेपी भी है, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? 44% लोगों की राय है कि कांग्रेस महागठबंधन बीजेपी की लड़ाई में बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 51% लोगों को नहीं लगता कि बीजेपी को फायदा होगा। मतलब प्रियंका से ट्रायंगुलर फाइट में भी बीजेपी को फायदा होता नहीं दिख रहा, तो फिर प्रियंका पर बीजेपी नेताओं के भद्दे बयानों का क्या? कि बहन को भेजा जैसे सुपनखा को रावण भेजा था, तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। यदि वो ऐसा सोचते हैं कि
प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। ऐसे ही बयानों को लेकर हमने लोगों से पूछा कि क्या इससे बीजेपी को ही नुकसान हो जाएगा। 71% लोग मानते हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा, जबकि 23% लोगों को लगता है कि बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। 20 साल से कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही प्रियंका ने 47 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री मारी है, तो क्या प्रियंका ने सक्रिय राजनीति में आने में देर कर दी? उत्तर प्रदेश के 74% वोटर मानते हैं कि प्रियंका ने देर कर दी, जबकि 21% लोग मानते हैं कि प्रियंका ने कोई देर नहीं की। यानी 2/3 लोग मानते हैं कि प्रियंका को पहले ही राजनीति में आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रियंका ने राजनीति में आने में देर क्यों की? ये सवाल जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उनका कहना था कि पहले वो परिवार में बिजी थी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं जिसकी वजह से प्रियंका को राजनीति में आना पड़ा। ये सवाल भी हमने यूपी की जनता से पूछा। जवाब में 50% लोग मानते हैं कि राहुल के फेल होने से प्रियंका आई, जबकि 46% वोटर मानते हैं कि प्रियंका के आने की वजह राहुल का फेल होना नहीं है। अगर ये बात गुजरात चुनाव से पहले कही जाती, ये सर्वे गुजरात चुनाव से पहले हुआ होता, तो ये माना जा सकता था कि लोगों में ये परसेप्शन बना और ये रियलिटी भी है कि राहुल गांधी फेल हो गए। लेकिन अभी प्रियंका का आना राहुल गांधी को एक तरह से ताकत देगा, कांग्रेस के लिए वो एक तरह की संजीवनी का काम करेगा और कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। जनता कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल फेल हुए इसलिए प्रियंका राजनीति में आई। हालांकि कांग्रेस को उनमें दादी इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। उत्तर प्रदेश के 44% लोग भी ऐसा ही मानते हैं, 42% को ऐसा नहीं लगता। इंदिरा गांधी की छवि को लेकर यूपी की जनता की मिली जुली राय है, लेकिन जो आखिरी सवाल हमने पूछा उसके नतीजे आपको हैरान कर देंगे। भले ही यूपी में कांग्रेस को वोट पड़ता नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या प्रियंका में भविष्य का प्रधानमंत्री दिखता है? इस सवाल का जवाब सुनिए। 56% लोग इसे सही मानते हैं और प्रियंका में पीएम बनने के गुण देखते हैं, जबकि सिर्फ 29% लोग मानते हैं कि प्रियंका पीएम मटेरियल नहीं है। प्रियंका पर जो सवाल एबीपी न्यूज और सी वोटर ने पूछे, ये एक अनुमान है, इसे आखिरी फैसला नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, देश के फैसले और मूड बदलते रहेंगे और हम उसे लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। मास्टर स्ट्रोक में अब प्रियंका वाड्रा की पॉलिटिक्स को बहुत गौर से देखने और समझने का वक्त है। राहुल गांधी के गोत्र से लेकर जनऊधारी होने तक की खबरें तो आप सुन चुके हैं, लेकिन विपक्ष अब तक ये नहीं समझ सका है कि प्रियंका किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही हैं। क्या उनकी राजनीति मुस्लिम परस्त है? जवाब इस रिपोर्ट में। राहुल के मंदिर मंदिर माथा टेकने की तस्वीर आपने बहुत देखी होगी, लेकिन प्रियंका वाड्रा के मुस्लिम कार्ड के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। लगता है कांग्रेस इसी रणनीति पर चल रही है। राहुल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपनाएंगे और प्रियंका मुसलमानों को लुभाएंगी। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में ट्रिपल तलाक बिल पास करने के एक महीने के भीतर ही कांग्रेस पलट गई। कहते हम आएंगे तो इस कानून अगर मोदी ला करके जाएगा तो भी खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने उन लाखों मुस्लिम बहनों बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके साथ अपनी सहमति जता दी है, उन्हें धोखा दिया है। आखिर कांग्रेस का यू टर्न क्यों? इसका जवाब इन दो तस्वीरों से मिलेगा। महासचिव बनने के बाद सबसे पहले प्रियंका सलमान और सुल्तान दो कार्यकर्ताओं से मिली। उस दिन शाम में जिन 15 नेताओं से मिली उनमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी सबसे बड़ा चेहरा थे। चाहे समाजवादी पार्टी हो तो यादव वोट पे उनका वोट बैंक है, और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो दलित वोट पे उनका वोट बैंक है। तो मैंने उनको सीधा सीधा ये बताना चाहा कि एक जो बड़ा तबका मुस्लिम समाज है तकरीबन 17-18%, ऐसे में वो बिल्कुल आपकी तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। क्या कहा प्रियंका? आंखों से इशारा करते हुए लगभग हाँ की स्थिति में थी। कांग्रेस ट्रिपल तलाक बिल पर पलट गई है और प्रियंका गांधी मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रही है। क्या ये महज संयोग है? शायद नहीं। वजह
लोकसभा चुनाव है। 145 लोकसभा सीटों पर 11 से 20 फीसद मुस्लिम वोटर्स हैं और उनमें 35 सीटों पर 30 फीसद से ज्यादा मुसलमान हैं। ट्रिपल तलाक कानून का मुस्लिम समाज का बड़ा तबका विरोध करता है, यानी मुसलमान वोट बैंक की चिंता कांग्रेस को सता रही है। अगर आंकड़ों की तह में और उतरे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। देश में 14 फीसद मुसलमान है, 8 राज्यों में 14 फीसद से ज्यादा मुसलमान आबादी है। इन 8 राज्यों में 244 लोकसभा सीटें हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 38 फीसद मुसलमानों ने वोट दिया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8.5 फीसद मुस्लिम वोट मिले थे। मतलब कांग्रेस हिंदू वोटर्स के लिए तो मंदिर गौशाला का दाव चल ही रही है, लेकिन पिछले दरवाजे से मुसलमानों के बीच भी पैठ बढ़ाने में जुटी है। देखिए, ये बात जग जाहिर है कि 1989 राजीव गांधी के कार्यकाल तक सवर्ण जातियां कांग्रेस का मूल वोट बैंक हुआ करती थी और कांग्रेस को यही उम्मीद है कि प्रियंका के आने से वो खोया हुआ, छिटका हुआ वोट फिर से लौट आएगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर प्रियंका मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगी तो सवर्ण अलग हो जाएंगे। ऐसे में प्रियंका के लिए कांग्रेस को मुख्यधारा में लाना इतना आसान तो नहीं होगा, मुश्किल जरूर है। मास्टर स्ट्रोक बहुत सरल और सीधा है कि प्रियंका 2019 की जीत नहीं, 2024 का वोट बैंक तैयार कर रही है। और अब पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक। मोदी आज ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में थे और वहीं से उन्होंने दीदी को ललकारा। आप चाय उगाने वाले हैं, मैं चाय बनाने वाला हूं। यहां की चाय देश और दुनिया बड़े चाव से पीती है और चाय की बात करते हुए ही मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर चाय वालों से दीदी को इतनी चीड़ क्यों है। मैं कोलकाता में मंच बनाकर मोदी मोदी बोलने वाले हर उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को कवर देने के लिए आप कहां कहां धरना देंगे। साथियों, आज हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को मोदी से कष्ट है जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। ये महामिलावट एक ऐसा घालमेल है जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, देश के लिए कोई विजन नहीं है। अब आप खुद देखिए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता लगातार बोल रहे हैं कि बंगाल में अराजकता है, भ्रष्टाचारियों और गुंडों का राज है, लेकिन दिल्ली में उनके मिस्टर वाड्रा के साले साहब डीजी की धुन में मस्त है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।